हुए हैं, तो इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए जेजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है समय लगता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी का एंगल भी उन्होंने जोड़ दिया, आपने सुना। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए जब चुनाव मैदान तैयार होता है तो उसमें काफी लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरते हैं। बड़े सपनों के साथ जेजेपी वहां गई थी और लगातार एक प्रयास किया गया और एक बात कही गई कि जो राजस्थान की विधानसभा का ताला है वो जेजेपी की चाबी से खुलेगा, लेकिन वो जिस प्रकार के नकारात्मक परिणाम उनके आए हैं, 500 भी कई जगह तो मत नहीं ले पाए, काफी ऐसी 19 प्रत्याशी मैदान में थे लेकिन उनका कोई प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा, उपस्थिति कहीं उनकी नजर नहीं आई। हालांकि देखिए चौधरी देवीलाल का एक तरह से कहा जाए तो वे खुद भी वहां से अपना भाग्य आजमाते रहे थे और खुद सांसद भी बने थे, और साथ साथ जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वे दाता रामगढ़ और नोहर जो विधानसभा सीट है वहां से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यानी दो सीटें हैं वहां से उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वहां उनके उम्मीदवारों को वहां कोई जनता ने कोई रुझान नहीं उनके पक्ष में आया। हाँ। तो ऐसे में एक नकारात्मकता रही है इस बात की। हालांकि कोशिश पूरी की गई थी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने अपनी हाजिरी वहां लगाई, रैलियां भी की और रोड शो भी निकाले, एक कोशिश रहती है जैसे अजय गुलिया कह रहे हैं। लेकिन एक और भी सबसे बड़ी बात है, मैं ये एक बात कहता हूं कि क्षेत्रीय दलों को इस चुनाव में नकारने का काम जो है वो जनता ने किया है। हाँ। चाहे तेलंगाना में बीआरएस की बात करें या किसी जो छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की मध्य प्रदेश की, तो ऐसे में वहां से बिल्कुल ही एक तरह से टू पार्टी सिस्टम जो बनाने का काम जो है इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। और जो चुनाव में जो लुभावनी घोषणाएं थी खास तौर पर उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत की गारंटी को स्वीकार नहीं किया। हाँ। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी काफी योजनाएं लाई गई और उनका प्रचार भी बहुत किया गया भूपेश बघेल की ओर से। हालांकि भूपेश बघेल और पूरी कैबिनेट अभी भी रिस्क में चल रही है, उनकी जो पीछे चल रहे हैं वो एक मंत्री को छोड़कर बाकी सभी जो उम्मीदवार है जो कैबिनेट है पूरी की पूरी वो पीछे चल रही है। तो ऐसे में स्थिति काफी उनके लिए सुखद नहीं है। हाँ। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी और मैं क्षेत्रीय दलों के हिसाब से भी कहता हूं यह चुनाव एक तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया। और एक और भी बात महत्वपूर्ण जो मैं बार बार इसको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं था, राजस्थान में नहीं था, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान थे लेकिन वो तस्वीर में पहले गायब रहे, बाद में वो एकदम से आगे आ गए और चुनावी परिणाम बिल्कुल पलट गए। हाँ। और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को चुनावी चेहरे के रूप में बीजेपी ने नहीं उतारा। हाँ। तो इसी संदर्भ में देखिए वहां केवल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, कमल पर चुनाव लड़ा गया, कमल पर चुनाव लड़ा गया और चेहरा मोदी रहे। तो ऐसे में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रयोग किया था वो सफल रहा और इसी सफलता का नमूना जो है वो इन रुझानों में दिख रहा है जो कि अब परिणामों में परिवर्तित भी होने लगे हैं। हाँ। और तेलंगाना की जहां तक बात है वहां उनका एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा था कि जिस वजह से बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी अपना कमल खिलाने की कोशिश की और 10 के करीब जो उनके अब तक जो है वो जीत की ओर अग्रसर है रुझानों में, और देखिए आगे क्या तस्वीर रहती है। हाँ। लेकिन यह चुनाव जो निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि इन चुनावों को लोकसभा चुनावों के नजरिए से नहीं देखा जाना नहीं देख चाहिए। 2018 में ऐसा हुआ है पहले और कांग्रेस का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा था लेकिन वे कोई खास जो है लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए। उस समय भी पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी का रहा था, मोदी का जादू चला था और अब इन चुनावों के बाद भी, हालांकि यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद थी, उस उम्मीद से ज्यादा बेहतर वे प्रदर्शन कर पाए हैं राजस्थान। हाँ। के मामले में भी, छत्तीसगढ़ के मामले में भी, हालांकि मध्य प्रदेश में भी पहले 4 महीने तक तस्वीर कुछ अलग थी, अब बिल्कुल तस्वीर जुदा है और छत्तीसगढ़ में तो पूरा जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे वो सभी जो है वो वहाँ एग्जिट पोल। आप कह रहे हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी और खुद कहीं ना कहीं पार्टी ने भी इतने की उम्मीद नहीं की थी। तेलंगाना में आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं हावी रही है। रजत पंजेता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नैलो के प्रवक्ता है। सीधे में रजत जी का रुख करना चाहूंगी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इस तरह से भी इसको देखा जा रहा है जोड़ के कि हरियाणा
राज्य के साथ जुड़ा हुआ राज्य है राजस्थान, और ऐसे में जेजेपी के इस तरह के प्रदर्शन की तो उम्मीद नहीं की जा रही थी। देखिए सृष्टि जी, बात ऐसी है कि एक तो होता है प्रदर्शन जो कि सबसे पहले ही दिख रहा था। मुझे ये डर है कि ये जो तर्क दिया है इन्होंने जजपा का, यही जो हाल है हरियाणा के चुनाव में, ऐसे ही परिणाम ना आ जाए जजपा के, क्योंकि जजपा ने और अन्य दलों के ऊपर, खासकर हमारे दल के ऊपर, इन्होंने बहुत टिप्पणियां करी थी कि पार्टी को सीमित कर दिया एक स्टेज तक ले जाकर, ये कर दिया वो कर दिया। और हम शुरू दिन से कह रहे थे कि जजपा का वहां, जैसे हरियाणा में कहते हैं ना कि एक काट की हांडी एक बार चढ़ा करती है, जैसा हरियाणा में आज जनता का रुख है, वही रुख राजस्थान में यहाँ पर। ये देखिए कैसे इनके हालात ऐसे क्यों हुए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 500 तक का आंकड़ा नहीं छू पाए, जैसे आपने बताया कहीं 86, कहीं 118, कहीं 136, कहीं 234। तो ये हाल तब होता है जब वहां के लोगों ने इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने किया, जो इनके, जो इन्होंने एंटी बीजेपी वोट मांगा, जो किसान के साथ इन्होंने जब तीन काले कानून आए तब क्या रुख था इनका, आप सबको पता है इनका क्या रुख था, कहां भाजपा को पानी पी पी के कोसते थे चुनाव में आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, और रिजल्ट आने के बाद उसी भाजपा के साथ इन्होंने हाथ मिला के सरकार बनाई, चाहते तो विपक्ष में भी बैठ सकते थे। भाजपा की सरकार भी अगर ये तर्क देते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बन पाती, ऐसा कुछ नहीं है, निर्दलियों के सहारे आज भी सरकार बन सकती है, ये तो सिर्फ सत्ता में आने का एक बहाना था कि भाई जनता को कुछ तो कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर सच में एक चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चले होते तो इनको राजस्थान में भी रिस्पॉन्स मिलता, क्योंकि राजस्थान में खुद का स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव था, और ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे इनको वोट नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने देखा ये तो उनके ना पद चिन्हों पे चले, ना उनका कोई कोई छवि दिखती है, ना उनकी कोई विचारधारा पे चलते हैं, ना उनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो जनता ने इसीलिए उनको देखा कि हरियाणा में ही नहीं जब कुछ कर रहे हैं और भाजपा के साथ हाथ मिला दिया, तो सिरे से नकार दिया वहां पर। तो ये, लेकिन औरों पे तंज कसने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि परिणाम अगर ऐसे आ गए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे। बहुत बड़े बड़े टॉन्ट मारे इन्होंने हर डिबेट के ऊपर, और इनके नेताओं तक ने कहा कि सीमित कर दिया हरियाणा तक, हम तो यहाँ भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, जाइए आप जहां जहां जा सकते हैं, किसने रुका है। और आपको ऐसे परिणामों का सामना हरियाणा में ना करना पड़ जाए, इसका आपको अभी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो आपका हालत यहाँ हुई है यही आपकी हरियाणा में भी होने वाली। ठीक है, हरियाणा में ऐसी हालत ना हो जाए, मैं अजय गुलिया जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रमन सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अजय गुलिया जी से सबसे पहले मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, एक तो आप देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते तो शायद तस्वीर कुछ अलग ही होती, और दूसरा आपने कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता का भरोसा तोड़ा बीजेपी से हाथ मिलाकर, इसलिए राजस्थान की जनता ने भी आप पर विश्वास नहीं किया। सृष्टि, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए इसमें हमारी हार नहीं, इसमें हमारी जीत है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता एक बार भी अपनी पार्टी का नाम नहीं लेता। दस बारी वो किसी राजनीतिक दल का नाम लेते हैं और वो जननायक जनता पार्टी का नाम लेते हैं। उनके मन में डर है, उनके मन में खौफ है। आप देखिए उस बात को समझिए कि जो एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता एक टीवी चैनल पर बैठ करके 10 बारी किसी राजनीतिक दल का नाम लेता है और एक बार भी अपने दल का नाम नहीं लेता। उस सवाल पूछना नहीं, वही जवाब दूंगा ना। अरे आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कुछ भी बोलते रहे रजत पंडेता जी, आप कुछ भी बोलते रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, लेकिन ठीक है, रजत जी की बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा सवाल भी सर आपकी पार्टी से ही जुड़ा था। एक बारी भी उन्होंने नहीं। और दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि ताऊ देवीलाल की आपके पास विरासत है, लेगेसी है, तो आपने जाकर के राजस्थान में क्यों नहीं चुनाव लड़ा? हमने प्रयास किया, देखिए हमने प्रयास किया, लेकिन अब बाकी सब पैनलिस्ट भी बैठे हैं, सबकी एक राय है कि अब ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में रह गया था राजस्थान के अंदर, इस वजह से हमारा प्रदर्शन शायद बेहतर नहीं रहा। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि प्रदर्शन बेहतर नहीं है। अगर मैं आपके टीवी चैनल पे कहूं कि नहीं हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो वो गलत बात होगी। ऐसे परिणाम हरियाणा में आगे तो नहीं, यही जवाब देंगे नहीं। मैं अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ऐसे परिणाम आएंगे तो मैं कहूंगा कि जनता का मत सर्वप्रिय होता है, जो जनता फैसला करेगी राजनीतिक दल को वो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे में हरियाणा में परिणाम, हरियाणा प्रदेश के लोग जो हमने काम किया, देखिए पहला राजनीतिक दल ऐसा है जो आपके टीवी चैनल पर बैठ करके कह रहा है कि जो काम किए हैं वो काम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। फैसला तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे,
वो करेंगे ना, वो तय करेंगे। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, जो मेरे खिलाफ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि लोकतंत्र उसको इस बात की इजाजत देता है कि वो मेरी मुखालफत कर सकता है। जो लोग हमारे खिलाफ भी खड़े हैं हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये लोग समझेंगे नहीं इस बात को। देखिए जो आज हमारे पक्ष में, आज संजू भरोसा तो जनता का जीतना पड़ता है ना गुलिया साहब, ऐसी जनता वोट नहीं कर देती जब तक आप भरोसा नहीं जीतेंगे। नहीं, आज दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री है, क्या वो उन्हीं 10 सीटों से है के मुख्यमंत्री है जिन्होंने 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को दी? वो पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 10 सीटें दी, अपना मैनिफेस्टो लेकर के मिले ना आपकी तरह। आप ये बताए आपने कौन सी सरकार में आप शामिल हो गए जो हर बारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने वोट दिया? आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर बारी वोट देने का काम किया, आपने दिया कि नहीं दिया वोट? कब दिया वोट बताइए आप? राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने वोट दिया, उनके उम्मीदवार को आपने वोट दिया। अब ये बातें ना करें, आप नैतिकता की बात, आप नैतिकता की, आप नैतिकता की बात टीवी पर बैठ करके ना करें। अच्छा, तो भाजपा के खिलाफ थे, एक मिनट, हमने भाजपा के पक्ष में दिया तो हमने अपने पद से इस्तीफा कैसे दिया? भाजपा ने हमारे खिलाफ कैसे नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, आप गुलिया साहब, इन शॉर्ट में आपकी बात को ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन जनता ने जो भी परिणाम सामने रखा वो सर्वोपरि है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं अब कांग्रेस प्रवक्ता रमन सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। रमन जी, मैं राजस्थान में जेजेपी की परफॉर्मेंस पर आपसे सवाल करूं या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी जो अभी हालत नजर आ रही है उस पर बात करूं? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं। देखिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए हर विषय में, इसमें कोई, मुझे भी लगता है इसमें कोई, चलिए पहले फिर जेजेपी पर आप सर जवाब दे दीजिए। जी जी, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ सृष्टि जी। जेजेपी वो पार्टी है जो इंडियन नेशनल लोक दल से, साउथ देवीलाल जी की विचारधारा से पैदा हुई है, अलग से अपनी स्थापना करके हरियाणा के अंदर पार्टी में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, स्वर्गीय साउथ देवीलाल जी का मैं भी सम्मान करता हूँ, हर हरियाणवी करता हूँ, लेकिन जब बात किसानों की आई, जब बात कर्मचारियों की आई, जब बात सरपंचों को पिटा गया, तब ये जेजेपी आंख बंद करके क्यों बीजेपी के साथ? किसान एक साल तक तीन काले कानून के साथ चला, क्योंकि कहते हैं पुराने दौर में कि ताऊ देवीलाल जी किसानों के नेता। अगर ये एक तरफ उनकी विचारधारा की बात करते हैं तो फिर जब किसानों ने 700 से ज्यादा शहादत हो गई और आज भी किसान अपनी फसल बेचने से पहले जेलों में जाता है, सड़कों पर धरने देता है, जी तो फिर ये सरकार के साथ जो गठबंधन कर रही है, तो गंगा कमला पार देखने के नाम से जिन्होंने वोट लिए, वो आप क्यों बंद कर देती है? एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पेंशन 5100 रुपए दो गए हो तो जेजेपी को वोट दे दो, अगर किसान को साल हो तो इनको वोट दे दो, अगर कर्मचारी खुशहाल हो तो इनको वोट दे दो, सरपंच खुशहाल हो तो इनको वोट दे दो। हर वर्ष आज पीड़ित है हरियाणा के, और ये लोग इनके साथ गठबंधन में सत्ता में है। हरियाणा में अनेक तरह के घोटाले हुए, पिट पर लीक हुए हैं, शराब घोटाला हुए, आज जेजेपी जिस साथी बैठे गुलिया जी, मेरे भाई ने इसका सम्मान भी करता, आज से महीना पहले 20 दिन पहले यमुनानगर में 30 से 35 मौके हो गई जहरीली शराब से। इनके नेता जी जिनके पास ये विवाद है वो राजस्थान में भूखे मांग रहे थे। तो एक चीज बताइए, जो पार्टी बुरे वक्त में अपने हरियाणा के लोगों के साथ ना खड़ी हो, उस पार्टी के बारे में क्या लोगों का मत होगा और क्या राय होगी सृष्टि जी, आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरा सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ का रिजल्ट हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, तेलंगाना का हो, देखो जनता सर्वोपरि है और जो जनता का फैसला होगा वो हर किसी को मंजूर है, ये एक मत बात है। यही जनता हमें सत्ता में लेके आई थी और यही जनता सत्ता से बाहर करती है।
कभी आप सत्ता पे में काबिज होंगे? जनता सर्वोपरि है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं जी। लेकिन जनता का फैसला डिपेंड किस पर करता है सर? परफॉर्मेंस पर करता है। अभी हम ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात कर रहे थे, विधानसभा स्पीकर, वो कह रहे थे कि राजस्थान का, मैंने उनसे पूछा सवाल कि क्या रिवाज नहीं बदला गया कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, हर साल जो है सरकार, हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो उन्होंने कहा रिवाज तो बदले जा सकते हैं, रिवाज बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो आपके काम की है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय गहलोत जी की बहुत अच्छी कार्यशाली रही है, विकास को लेके लोगों के बीच में रहे, पुराने सीनियर सम्मानित नेता थे। ऐसे ही बागेल साहब, देखो राजनीति में सृष्टि जी, कभी आप सत्ता में होंगे तो कभी सत्ता से बाहर होंगे, जो कमियां रही होंगी जरूर उन पर विचार होगा, क्या कारण रहे कि हार का सामना करना पड़ा। अगर तो ऐसा नहीं है कि मंथन नहीं होगा, जब पार्टी कोई जीतती है तब भी उस बात पे विचार होता है कि हमने क्या क्या वादे किए थे जनता से, और जब हारती है कोई पार्टी तो वो भी विचार करती है कि हमारी कमियां क्या रही होगी। ये प्रांत हमने 2014 के बाद जीते भी हैं और आज हम इन राज्यों से, जो आपके रुझान हैं, शायद कहीं ना कहीं जनता का मत बीजेपी के साथ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता सृष्टि जी। लेकिन बात आप का चैनल हरियाणा का एक प्रसिद्ध चैनल है, आप भी एक सिंकर सीनियर एंकर हो और महिला नारी का एक शक्तिशाली हिस्सा हो, महिला इस देश में बहुत ही शक्तिशाली वोटर्स हैं, ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी शायद दिखाई दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रांत के अंदर किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, कर्मचारी। मैं आपको रोकूंगी क्योंकि देखिए आपसे चर्चा तो और भी मुद्दों पर करनी है, राजस्थान में कन्हैयालाल का मुद्दा था या सुरक्षा का मुद्दा हावी रहा, इन सब सवालों पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन एक बार जेजेपी पर मैं सभी जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, पैनलिस्ट जुड़े हैं, उनसे एक एक रिएक्शन लेना चाह रही हूं। तो पहले मैं वंदना जी का रुख कर लूं, उसके बाद मैं सुभाष चौधरी जी आपके पास आऊंगी। वंदना बोबली जी, जेजेपी की जो परफॉर्मेंस राजस्थान में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए इनेलो को भी हमने सुना, उन्होंने तो कह दिया कि हरियाणा में कहीं ना कहीं जो वादा किया था, बीजेपी से अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन अचानक से नतीजे आने के बाद जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दे दिया, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि राजस्थान की जनता ने विश्वास नहीं किया। आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले जेजेपी हमारी एनडीए की साथ में पार्टी है और उन्होंने एक नए स्टेट में कोशिश करी है, और कोशिश कभी कामयाब हो जाती है और कभी नहीं होती है, तो मुझे लगता है इस पर कोई टिप्पणी करना कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है क्योंकि उन्होंने नए स्टेट में कोशिश की गई थी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जेजेपी जो है उसने बीजेपी के साथ, बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, हम खुद ही कहते हैं कि हमारा तो पोस्ट पोल अलायंस है, हम इलेक्शन के बाद साथ में आए। लेकिन कम से कम अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं हरियाणा में, तो किस प्रकार से जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने हजका के जो हेड है कुलदीप बिश्नोई जी, उनको छोड़कर बाकी जिस तरह से उनको तोड़कर अपने साथ लिया था विधायकों को, तो कम से कम वैसी स्थिति नहीं है। कई चैनल पर ये बोलते थे कि ये तो चोरी की सरकार है, चोरी की सरकार तो वो थी जो आपने बनाई थी, हमने तो सीधे सामने से हमने वायदा लिया कि हम साथ में इकट्ठे चलेंगे और हमारा गठबंधन बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरी बात सृष्टि, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, ठीक है यहाँ पर उनका इस समय ये सब बातें कहना जायज है, लेकिन हरियाणा में वो जब बहुत सारी बातें गिनवा देते, ये पिट गया वो पिट गया, मुझे इतना बताइए जब कर्नाटक जीते थे तो पूरा का पूरा क्रेडिट किसको दिया गया था? तब कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हम जीते हैं। तो 33 डिस्ट्रिक्ट में जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा गई थी राजस्थान में, और वहां पर क्या हाल हुआ वो हम सब ने देखा। और सबसे बड़ी बात सृष्टि, इनके अपने प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने आज ट्वीट किया तकरीबन एक घंटा पहले, उन्होंने कहा कि सनातन का श्राप ले डूबा, तो जो रोम रोम करते थे कहीं ना कहीं राम राम करने लगे हैं, वो भी हमारे को देखना होगा। लेकिन ये जो पूरा मैंडेट है ये विकास की नीतियों को है, ये मोदी जी के काम को है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम को है, और ये जो विपक्ष है उसके निकम्मेपन को है। अभी आपस में इतनी इनकी लड़ाइयां रहती हैं, अभी गहलोत जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, और यही गहलोत जी जब किसी
इनके ही अपने नेता सचिन पायलट को निकम्मा बुला देते हैं स्टेज से, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिवादी होना सही नहीं है कि आप सोचे कि हम ही सब कुछ है, हम ही बढ़िया है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए। तो हरियाणा में भी हाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा, अभी तक वही स्थिति है कि वो अपने अलावा किसी और को आगे नहीं आने देना चाह रहे, और ये स्थिति हरियाणा में फिर से बनेगी, फिर से कांग्रेस जो है वो हारेगी। और उसके पीछे कारण कि जनता भूलती नहीं है कि इन्होंने अपने राज्य में क्या बुरा हाल किया था, और दूसरा अभी जब ये अपने नेताओं की नहीं सुनते, अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, तो इनके लिए जनता क्या है? ये तो सिर्फ अपने लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, इनके अलावा अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मैं ही मानती हूँ सृष्टि, जनता जो है वो सब कुछ जानती है। आज जो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, वो एक एक चीज के बारे में जानते हैं। आप सुदूर गांव में चले जाइए, उनको पता होगा कहाँ पर क्या हो रहा है, और भारत में तो छोड़िए, उनको तो विदेशों में भी पता होता है क्या हो रहा है। तो समझदार है आज की जनता, उनको पता है कहाँ पर अपना विश्वास जताना है। ठीक है, ठीक है। मैं अब मैं सुभाष चौधरी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए सुभाष जी, जेजेपी की राजस्थान में जो परफॉर्मेंस थी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी अमित तिवारी जी भी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को नकारने का काम जो है वो जनता ने किया है, और कहीं ना कहीं इसका नतीजा है कि कुछ इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं जेजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर। आप क्या कहेंगे? सुभाष चौधरी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। तो देखिए, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अब अमित तिवारी जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक ये पॉइंट भी यहां पर गिनाया और साथ ही आप अन्य दलों को भी सुन रहे थे। अब अगर हम सभी राज्यों की अगर बात करें तो जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें मैं बात अब राजस्थान की करना चाहूंगी। क्या लगता है कि राजस्थान में क्या कमी कांग्रेस की तरफ से रह गई? देखिए, क्योंकि बार बार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि जीत हमारी होगी, हालांकि दावा तो हर पार्टी कर रही थी। उधर बीजेपी की अगर बात करें तो सीएम फेस भी नहीं था, उसके बावजूद इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कन्हैया लाल का मुद्दा हावी रहा, महिला सुरक्षा का मुद्दा हावी रहा, या और कुछ और? क्योंकि हमने ये भी देखा कि बीजेपी जो विकास की बात करती है, विकास के मुद्दों को गिनाती है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं चुनावी रैली करने के लिए राजस्थान में, तो वो कन्हैया लाल का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाते हैं। निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए, राजस्थान के रण में एक बात तो तय रहती है कि वहाँ जो परंपरा है पार्टी को बाहर निकालने की, पार्टी को आउट कर देने की, तो यह रिवायत राजस्थान की रही है, वो रिवायत कायम रही, और रोटी पलट देना उनकी खासियत रही है राजस्थान में, एक ये धारणा है, और ये धारणा ही जो है वो सही भी साबित होती है हर बार की। और खास तौर पर अगर देखें कांग्रेस में अशोक गहलोत ने एक बड़ी कोशिश की थी, कई प्रकार की योजनाएं वे लेकर आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें या पुरानी पेंशन बहाली की बात करें, लोक लुभावनी योजनाएं जरूर लागू की गई, लेकिन जनता का उतना समर्थन नहीं मिला, इस प्रकार के रुझान जो सामने ही हैं। और एक खास बात और भी है राजस्थान की, अगर बात करें परिपाटी देखिए आप राजस्थान की, न केवल जो सरकार को विदा करने की रिवायत रही है, साथ साथ यह भी रही है कि कांग्रेस हारती है तो जबरदस्त तरीके से हारती है, और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जबरदस्त तरीके से जीतती है। खास बात यही है इस राजस्थान की, और जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा आ जाता है उस समय कांग्रेस हारती ही हारती है, यह एक बात रही है। एक बात और भी है, जैसे आपने कहा कि जन सुरक्षा का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, पेपर लीक कांड जो हुआ, और साथ साथ कन्हैया लाल का हत्याकांड का मामला, देखिए ये सभी मामले थे, इस वजह से कांग्रेस को एक तरह से नुकसान बड़ा उठाना पड़ा। कई ऐसी सीटें हैं जहां से इन मुद्दों को लेकर ही भुनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यह अपनी रैलियों में जा रहे थे तब यह मुद्दे जोर शोर से उठाते थे। एक और बड़ा मामला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रैलियों में उठाया था, वो मुद्दा था सचिन पायलट की नाराजगी का। राजेश पायलट की पुरानी जो एक तरह से असम्मान जो कांग्रेस में उनका हुआ, उस बात को भी उन्होंने उठाया, और इस बात का जनता ने देखो समर्थन भी किया है। अभी जो रुझान मिल रहे हैं उसमें 71 पर कांग्रेस है। मैं रुक रही हूँ तिवारी जी आपको, क्योंकि सांसद सुनीता दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं सुनीता जी आपका हरियाणा न्यूज पर, और क्या कहेंगे सबसे पहले तो आपका रिएक्शन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उन पर?
देखिए ऐसा है कि ये मोदी जी की गारंटी है और ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है और चार के चार जो राज्य हैं उनके अंदर किस तरह से थंपिंग मेजोरिटी के साथ जो है मुझे लगता है कि शायद इतना जबरदस्त जो है जन समर्थन आज तक पहले कभी किसी भी पार्टी को नहीं मिला, इतनी सीटें जिस तरह से दिखा रही हैं जो रुझान। तो मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को सभी आम जनमानस को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि समर्थन के साथ जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जो है उनकी योजनाओं को जो मोहर लगाई है तो बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। सुनीता जी, क्योंकि आपने मोदी जी की गारंटी बोल दी है इसलिए मुझे सवाल करना पड़ेगा। विपक्ष देखिए हर बार पूछता है, बार बार पूछता है कि बार बार मोदी मोदी ही क्यों, कब तक मोदी जी बीड़ा उठा के चलेंगे बीजेपी का, कब तक चलेगी ये मोदी लहर? देखिए ऐसा है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है सर्वप्रिय नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप चाहे G20 की बात करें, अभी जो COP28 हुआ था, चाहे आप उसकी बात करें, सबके सबके चहेते नेता हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे उसमें अगर हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते हैं और उनके अंदर अगर हम जो है मोदी की गारंटी की का जिक्र करते हैं या मोदी जी की बात करते हैं तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों है? नहीं, क्योंकि सवाल ये पूछे जाते हैं ना कि आप अन्य लोगों से पूछते हैं, कांग्रेस से आप पूछते हैं कि चेहरा कौन, लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता, बात छत्तीसगढ़ माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता, बात छत्तीसगढ़ की होती है तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आता। देखिए हमारे हमारे संगठन में जो है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो हर जगह पर जैसे जहां भी चुनाव होते हैं वहां अपने ऑब्जर्वर भेजते हैं और ऑब्जर्वर भेजने के बाद जो है वो ऑब्जर्वर जो है वहां पर विधायक दल का नेता चुनते हैं और विधायक दल जो है वो नेता चुनने के बाद जो है जिस पर भी सभी विधायक जो है वो एग्री करते हैं, जिस पर शीर्ष नेतृत्व जो है वो एग्री करता है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है, कहीं किसी तरह की कोई सिर फुटोवल नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन वाली जो पार्टी है, एक अनुशासन का जो संगठन है, तो उसमें उससे तो बल्कि दूसरी पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए। अन्य पार्टियों को भी सबक लेना चाहिए आप कह रही हैं। मैं सुनीता जी आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बार बार जिक्र हो रहा है कि इस तरह की रुझान की क्या बीजेपी ने भी उम्मीद की थी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि हाँ जीत को लेकर आश्वस्त थी सभी पार्टियां, लेकिन इस तरह की जीत मिलेगी या इस तरह के रुझान सामने आएंगे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने खुद भी नहीं सोचा होगा। नहीं देखिए ऐसा है कि जो है राजस्थान में जो अलवर जिला है उस वहां मेरी जिम्मेवारी लगी थी और मैंने बहुत बारीकी से धरातल पर जो है वहां पर जाकर देखा तो जबरदस्त लोगों का रुझान था, जिस तरह की योजनाएं जो है कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो चलाई थी और उनको धरातल पर कहीं नजर नहीं आई और जिस तरह का वहां पर महिलाओं के साथ खासकर जो अत्याचार हुआ और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो युवाओं के साथ जो है इतना विश्वासघात हुआ, पेपर लीक का मामला हम बताएं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी उम्मीद थी कि मेरे पास वहां पर देखिए 5 विधानसभाएं थी जिसमें जो है अपनी जो बाबा बालकनाथ जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तिजारा है, बहरोड है और किशनगढ़ है, मंडावर है और इसके साथ साथ जो है जो एक और मुंडावर होगी बानसूर है, तो ये 5 विधानसभा हमारे पास थी। इसमें हमारे पास पिछली बार केवल और केवल एक विधानसभा जो है हमारे पास थी, 4 विधानसभाएं जो है वो कांग्रेस के पास थी, लेकिन आज अगर हम देखें अभी रुझानों को देखें तो 5 में से 4 में हम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उसमें हम आगे चल रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में जो है ये भावना थी कि जो ऐसी सरकार की जो है लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में नहीं है, जो अपने महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि ये तो परिपाटी है, रिवाज है, ये तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि तो रिवाज है राजस्थान का, 5 साल एक सरकार तो 5 साल दूसरी सरकार। नहीं, रिवाज की बात नहीं है, रिवाज तो अगर ये रिवाज अगर था तो फिर मध्य प्रदेश में हम दोबारा कैसे आ रहे हैं, अगर यही रिवाज था तो गुजरात में हम इतने सालों से कैसे आ रहे हैं, तो ये रिवाज की बात नहीं है। लोग ये देखते हैं कि सरकारें कैसे काम करती हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में तो जो उनके एक शांति धारीवाल जो नेता करके हैं, जो मंत्री भी रहे, उन्होंने तो जिस तरह की टिप्पणी की आप ये देखिए, उसके बाद से तो महिलाएं बौखलाई हुई थी, महिलाएं तो इंतजार कर रही थी कि कब उनको मौका मिले और जो है वो इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंके। उन्होंने जो वहां पर कहा कि मर्द हैं और मर्दों को ये जो है वो इस तरह की जो है वो
मर्द नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप ये बताइए कि ऐसी बातें अगर जो हैं जहां पर इतना अत्याचार बढ़ रहा हो, तो अगर इस तरह की बातें हैं तो उसमें तो महिलाएं तो बिल्कुल तत्पर थी कि कब मौका मिले उनको और कब उखाड़ कर फेंक दे उनको। तो आप कह रही हैं कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया है। जबरदस्त तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और महिलाओं की जो है जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो उस पर और मोहर लगी है और ये मोदी जी की गारंटी है। इस चीज को जो है आम जनमानस ने बिल्कुल दिखा दिया। अच्छा, तेलंगाना को किस तरीके से देखेंगे आप? हालांकि बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम यही कहेंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले जहां बीजेपी थी ही नहीं लेकिन अब वहां पर वो धरातल पर नजर तो आ रही है। नहीं बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। देखिए कम से कम भी 10 सीटों पर हम जहां पर आगे चल, जहां पर बिल्कुल कहीं बीजेपी का कोई आधार नहीं था वहां पर हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना हो कि वहां पर भी बहुत अच्छा रहेगा। जहां पर कहीं वहां पर हमारी पार्टी की जो है वो समीक्षा रहेगी कि वहां पर हम कहां पर कमजोर रहे और क्या कारण रहे और उसके बाद हम अपने कारणों को सबको दुरुस्त करते हुए आप देखना कि आने वाले समय में जो है वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि जो आने वाले समय में लोकसभा के जो चुनाव है उसमें तो आप देखना कि उसमें जो है शत प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चले, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं सुनीता जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए आपने सुना और सांसद है सुनीता दुग्गल बीजेपी से। और इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है, रिजल्ट ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। क्या है ये बड़ी खबर? शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी, जैसा कि हमने कहा कि जश्न के माहौल में उभरती हुई नजर आ रही है और उस तरह की तस्वीरें जो हैं वो भी कुछ सामने आई थी। उस बीच ये बड़ी खबर भी आ गई है कि शाम को 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बात करें तो रुझानों के हिसाब से तो तस्वीर साफ हो ही गई है और ज़्यादातर हम देखते हैं, हर बार की अगर बात करें तो इस तरह से जब नतीजे आते हैं तो ख़ास तौर पर चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय की आप बात करें या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, वहाँ पर जो भी दिग्गज नेता होते हैं वो पहुँचते हैं और जो शुक्रिया अदा करना होता है जनता का और साथ ही कार्यकर्ताओं का भी, तो वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो शाम 6 बजे की अगर बात की जाए, क्योंकि रुझानों की अगर बात करें तस्वीर साफ हो चुकी है, मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए तेलंगाना की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, सब जगह की तस्वीर रुझानों के हिसाब से साफ है। बिल्कुल भी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो पहले तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतना अच्छा कर पाएगी। कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी के अंदर तो नजर आ रहा था लेकिन जनता के जो फीडबैक सामने आ रहे थे उससे ये लग रहा था कि एक बार फिर से शायद यहाँ पर सरकार रिपीट होगी, लेकिन बिल्कुल उसके उलट परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में जो हाल मंत्रियों का हुआ था वही छत्तीसगढ़ में भी होता हुआ नजर आ रहा है। जो मेन मंत्री हैं वही इस बार पीछे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती राजस्थान की जब सरकार बनी थी, जो शुरुआती सिनेरियो वहां पर क्रिएट हुए थे, चाहे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी की स्थिति ही क्यों ना हो, और ये जनता के जहन में रही होगी ये बात और शायद उसका ही परिणाम ये सामने है। हालांकि कुछ देर पहले मेरी सहयोगी सृष्टि भी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि कुछ जो मंत्री हैं, कुछ जो वरिष्ठ नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये रिवाज रहा है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, लेकिन इस बार कोई रिवाज नहीं, बीजेपी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो हमने यहाँ पर रुझानों के हिसाब से हम देख रहे हैं तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर यहाँ पर करती नजर आ रही है और आपको बता दें कि बहुमत रुझानों के हिसाब से हासिल कर चुकी है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर हरियाणा से अगर देखा जाए तो हरियाणा से जननायक जनता पार्टी जो कि वहाँ पर करीब 20 सीटों की अगर बात करें तो वहाँ पहुँची और इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया, खूब प्रचार प्रसार किया गया जमकर, चाहे वो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की आप बात कर लीजिए, दिग्विजय चौटाला की आप बात कर लीजिए, लेकिन जो हालत है वो ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है और इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे और
ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी की भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के भी तमाम उम्मीदवार नजर आ रहे थे, लेकिन खास तौर पर सीधी सीधी फाइट जो नजर आई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आई। शुरुआत के जब रुझान आने शुरू हुए तब लग रहा था कि कड़ी टक्कर होगी, लेकिन धीरे धीरे लगभग 9:30 बजे की अगर बात की जाए तस्वीर साफ हो गई और ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, एक तरफा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं विनय जी एक तरह से ये भी आप देख सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री वो रहे हैं शुरुआत से, जब सरकार बनी थी इससे पहले, हालांकि वो सरकार ज्यादा दिन चल नहीं सकी और उसके बाद सरकार गिर गई और दोबारा से बीजेपी सत्ता में वापस आ गई, तो वो भी एक दौर था जो हमें देखने को मिला था कहीं ना कहीं। और हॉट सीट की अगर बात की जाए खास तौर पर तो तमाम राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो चाहे वसुंधरा राजे की आप बात कर लीजिए, तेजारा सीट, यहां पर भी काफी चौंकाने वाली जो रुझान है उस हिसाब से देखा जाए तो तस्वीर बनकर उभर कर सामने आई है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की अगर बात की जाए माना जाता है तेजारा को, लेकिन यहां से बाबा बालकनाथ अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। झालरापाटन की अगर आप बात करेंगे वसुंधरा राजे की तो वो भी अच्छी खासी बढ़त के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक जगह है जहां पर हमने शुरुआत में थोड़ी टफ फाइट देखी सचिन पायलट की अगर बात करें टोंक सीट की, तो वहां से हमने देखा था, लेकिन जैसे जैसे अब ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो जिस तरह से मतगणना आगे बढ़ रही है धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। चलिए तो शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, तमाम तरह के अपडेट आप देख सकते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के परिणाम है जो अब तक रुझान सामने आ रहे हैं, तेलंगाना के रुझान है जो अब तक सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रुझान भी हम एक तरफ स्क्रीन में दिखा रहे हैं, राजस्थान के रुझान भी आप देख सकते हैं, 90 सीटें छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 199 सीट, वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 119 और मध्य प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है यहाँ पर 230 सीट पर ये फाइट रही और ये 4 राज्य हैं काफी अहम है ये। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले गए थे और 7 और 17 तारीख को यहाँ पर वोट डाले गए थे। राजस्थान की जो तस्वीरें सामने आ रही है कांग्रेस और बीजेपी का अगर हम देखें आंकड़ा, तो विनय जी मुझे ये लगता है कि जो बिखराव कांग्रेस में देखने को मिला है, आप तीनों राज्यों को उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव यहां पर बार बार सामने आए। बिल्कुल, और देखिए खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो मैंने भी बहुत से लोगों से बात की तो 10 अक्टूबर तक बता रहे थे कि तगड़ी फाइट में नजर आ रहे थे, जब तक 10 अक्टूबर तक पूरी जान लगाई गई दोनों तरफ से, लेकिन कांग्रेस वहां से धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हुई और वो लास्ट टाइम के कहते हैं स्लॉग ओवर की जो बल्लेबाजी जिसे कहते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना गई थी और शायद उसी का नतीजा है ये, उसी के बाद ये हम जो देख रहे हैं आज जो ये रुझान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश 162 अभी का जो ताजा अपडेट हम बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर महाकवरेज, इलेक्शन की अगर बात की जाए 4 राज्यों के जो ये नतीजे आ रहे हैं उसे लेकर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रभारी से खास बातचीत यहाँ पर की है हमारे संवाददाता रवि काली रमन ने, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव साहब मौजूद हैं। राव साहब, सबसे पहले तो तीनों प्रदेशों की अगर बात की जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं चुनाव के इन परिणामों को? देखिए पूरे आप उत्तर भारत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसमें पिछले 2019 से पहले 2018 में हम चुनाव हारे थे और आज 2024 से पहले 2023 में फिर से इन तीनों प्रदेशों में हम कांग्रेस को हराकर डंके की चोट पर जीतेंगे ऐसा कहा था और जीत गए। मोदी जी के नेतृत्व केंद्र से और अखिल भारतीय स्तर पर और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश जैसे प्रांत आप कहेंगे कि ये ऐतिहासिक है और ये अविस्मरणीय है कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और जिस प्रकार की सीटों की बढ़ोतरी 18 साल सरकार चलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी को नकारते हुए प्रो इनकम्बेंसी साबित किया और वहां पर महिला, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
जो कुल मिलाकर राजनीति में, लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने का काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश के शिवराज जी के शासन ने किया है और उसकी बदौलत हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल किए हैं। आपने किसी भी स्टेट में सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपने इलेक्शन लड़ा, क्या ये वजह मानते हैं कि बड़ी जो जीत इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी के चेहरे में सब चेहरे हैं और ये संगठन में एक प्रकार से साबित किया है कि तीनों प्रदेशों में और विशेषकर मध्य प्रदेश राजस्थान में ये संगठनात्मक दृष्टि से हम लगातार सफल रहे हैं और मजबूत रहे हैं। ऐसे में मोदी जी के चेहरे में सब चेहरे हैं, ऐसा जो रणनीति चलाया है उसका लाभ हुआ है और कुल मिलाकर के जनता में एक पॉजिटिव संदेश गया है। आपको जब मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी मिली उससे पहले क्या स्थिति देखते थे आप मध्य प्रदेश में कामों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि भ्रष्टाचारी सरकार में फैला है, कहीं ना कहीं गरीबों को दबाया जाता है, इस प्रकार के आरोप लगातार लगे हैं आप लोगों को? देखिए, मैं जो प्रभारी जाने से पहले पार्टी की दृष्टि से वो मजबूत राज्य है, हमेशा ऐतिहासिक दृष्टि से भी मजबूत राज्य है और कई सालों से सरकार में हम रहे हैं और कुछ अंतराल के बाद मैं प्रभारी बनने से पहले सरकार बन चुका था और ऐसे में कोविड और कोविड की चुनौतियां और दूसरा जो लंबे समय सरकार में रहने के कारण कार्यकर्ताओं में उत्साह और बल बढ़ाते रहना, ये एक चुनौती और साथ में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बढ़ाना और तीसरा सरकार के गरीब कल्याण की, चाहे वो केंद्र मोदी जी के हो चाहे शिवराज जी को हो, ये जो जितने कार्यक्रम हैं, स्कीम्स हैं, वो सब जनता तक ले जाने के काम में कार्यकर्ता को लगाना, ये सारे चुनौतियों को बाखूबी पार्टी ने लिया है और आज जो रिजल्ट है वो सामने है। अंतिम सवाल रहेगा सर, ये जो सीएम बनाने को लेकर कोई चुनौती मानते हैं, अब कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव कई बार होता है जब पार्टी बहुमत में आती है तो? देखिए, हमारे पार्टी में ऐसी कोई मनमुटाव होने की परंपरा नहीं है और हमारे जो नेतृत्व है केंद्र में मोदी जी के मार्गदर्शन में, सारे चीजों को सामने रखते हुए 360 डिग्री में विचार करते हुए भविष्य की चुनौतियां, 2024 की चुनौतियां, भविष्य की जनता की अपेक्षाएं हैं, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए योग्य निर्णय लेंगे और उसमें ये सारे रिजल्ट को देखते हुए जो निर्णय होगा वो निर्णय को कार्यकर्ता मानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मुरलीधर राव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं थी वो निचले स्तर तक पहुंचाई गई हैं और इसके साथ साथ तमाम योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाया गया है, जिसके चलते ही तमाम जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रविकाल रमन, हरियाणा न्यूज दिल्ली। चलिए, तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वंदना पोपली जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, अजय गुलिया जी जो कि प्रवक्ता है जेजेपी के लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत पंजेटा जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेश शर्मा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं वंदना जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, अगर तेलंगाना को छोड़ दें बाकी तीन राज्य हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, क्या कहेंगी अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि हमने शुरुआत से कहा कि तीनों राज्य हम जीतेंगे और तेलंगाना में हम बेहतर करके दिखाएंगे। हाँ। वो हमने करके दिखाया, ये हमारे काम की जीत है, ये जनता की जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है जो बोल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस इलेक्शन से पहले की बात है तो उसके बाद जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता या बाकी पार्टी के प्रवक्ता बहुत आक्रामक होकर बोलते थे कि ये कर दिया, वो खराब कर दिया, अब नहीं आएगी, बुरा हाल हो जाएगा, किसी भी स्टेट में नहीं आएंगे। लेकिन अब उनके पास क्या जवाब बचा है वो खुद बेहतर जाने कि वो अब क्या कहेंगे इस विषय में। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इन चुनावों के रिजल्ट्स को देखते हुए 24 की पिक्चर तो पहले से ही साफ थी, हरियाणा की पिक्चर भी ऑलरेडी साफ थी। फिर से मैं कहना चाहूंगी जो जोश कार्यकर्ताओं में आया है वो बता रहा है कि हम 24 में दोबारा से मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है और यहाँ पर हरियाणा में भी खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। हाँ। और ये जो पूरा का पूरा क्रेडिट है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जन कल्याणकारी कार्य हैं उनको जाता है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूँ तो उन्होंने बड़ी
जो काम किए, बड़ी योजनाएं जो लेकर आए हैं, जो बड़े स्टेप लिए हैं, चाहे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो दुश्मन है उनको मुंह तोड़ जवाब देना हो, धारा 370 की बात हो, राम मंदिर निर्माण हो, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी की गारंटी ऐसे ही नहीं कहा जाती कि जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाया है, और वही जो बात है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी है। हम जनता के लिए नित नई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए और जनता ने उसको मोहर लगाई है। और हरियाणा में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीसरी बार सरकार बनेगी, लोकसभा में 10 की 10 सीट और 75 पार। नायब सैनी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि 75 पार जाएंगे, तो उनका जो विश्वास है वो जनता के बीच में जाने की वजह से, हम सबका विश्वास है कि हम जनता के बीच में जाते रहे हैं, उनकी बातों को सुनते रहे, उनके लिए काम करते रहे हैं, इसकी वजह से हम देश और प्रदेश में वापसी करेंगे। ठीक है वंदना जी, क्विक रेस्पॉन्स और भी जगहों से ले लेते हैं जरा। अजय गुलिया जी, हरियाणा से लगते हुए राजस्थान को जो आए हैं नतीजे ही कहेंगे, रुझान के हिसाब से तो अभी नतीजे बोल रहे हैं हम, क्या लगता था? क्योंकि आपने जितनी भी जगहों पर कोशिश की पुरजोर तरीके से, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे दिग्विजय चौटाला हों, कोशिश की गई, पुरजोर तरीके से प्रचार किया गया, लेकिन ऐसी हालत शायद उम्मीद नहीं की होगी। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करके चुनाव लड़ता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। देखिए, अंतिम निर्णय वोटर ने लेना है, वोटर ने हमारे पक्ष में मतदान नहीं किया, लेकिन उसका एक बड़ा रीजन वो आपको समझना चाहिए। देखिए, ये चुनाव ना किसी, वहां आरएलपी की प्रेजेंस थी, पिछली बार कितने विधायक थे, आज क्या हालात उनके हो गए, पिछली बार कितने निर्दलीय जीत करके आए थे, ये सारी चीजें समझने की। आज चुनाव वहां दो पार्टियों में के बीच रह गया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और जिस प्रकार से कांग्रेस का भी बुरा हाल लोगों ने किया, तो राजस्थान के लोग मन बना चुके थे कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजोरिटी से वहां सरकार बनानी है। इस कारण जो दूसरे, देखिए इसमें जननायक जनता पार्टी और भी आम आदमी पार्टी भी वहां प्रयास कर रही थी, या आरएलपी भी वहां पे थी, या और भी निर्दलीय थे, तो सबका प्रदर्शन जो है वो डाउन नीचे की तरफ गया, वो ग्राफ ऊपर की तरफ ना जाने के लिए नीचे की तरफ गया। ये चुनाव एक चुनाव के समीकरण है, इनको समझने की भी जरूरत है। हाँ, हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं है, ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई भी गुरेज नहीं है, अगली बार देखेंगे कहाँ कमियां रहेगी। संगठन पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, नया राजनीतिक दल जाकर के दूसरे प्रदेश में हम लोग प्रयास कर रहे थे, जो कमियां रही है, देखिए इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, कुछ कमियां रही है हमारे चुनाव प्रचार में रही होंगी, कैंडिडेट सिलेक्शन में रही होंगी, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और बेहतरी का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अजय जी मैं इस पर भी आपसे सवाल लूंगी, जो आपने जवाब दिया उस पर। रजत पंजेटा जी से भी सवाल ले लेते हैं। रजत जी, क्या लग रहा है, क्या बीजेपी की लहर है ये जो बाकी तीन राज्यों के परिणाम सामने आ रहे हैं जिस तरह से? देखिए, निश्चित तौर पे जो जैसे परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तो अगर तेलंगाना के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ का हालांकि कांग्रेस को जो एग्जिट पोल आगे दिखा रहे थे, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी है, कि मध्य प्रदेश में कैसे नहीं है, थोड़ा तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वहां तो बल्कि बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं अध्ययन का काम है ये कांग्रेस करेगी, हमारे को तो चलो कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन हमें कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को एक देश में सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल बताता है, तो मैं कांग्रेस से एक बेहतर प्रदर्शन की। बीजेपी नेता जवाहर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। रजत जी, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। क्या कुछ कहेंगे अब तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, जवाहर जी क्या कुछ लग रहा है, क्या बीजेपी की लहर है ये? ये मोदी जी की लहर है, ये लोगों के नेतृत्व, ये लोगों के नेतृत्व पर विश्वास की लहर है। मोदी जी के अलावा अन्य किसी भी पार्टी के साथ संकट यह है, भाजपा के अलावा, कि वहां उनके नेतृत्व पर लोगों को विश्वास नहीं है। रोल लोग जो है कांग्रेसी ही राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते, हरियाणा के कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे विश्वास नहीं करते, कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे विश्वास नहीं करती, तो किरण चौधरी जी नहीं करते, तो रणदीप सुरजेवाला नहीं करते। दूसरा, आज देश को एक चमत्कारी नेतृत्व मिला हुआ है, जिसके कारण पूरा देश प्रगति के पथ पर है, विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है। इन्होंने कहा जी कि हम राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू करेंगे। सर, देली पुरानी पेंशन किसने मांगी थी आपसे? पुरानी पेंशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 1 जनवरी 2006 को कहते हैं कि
पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू करते हैं। अब वो कहते हैं जी हम पुरानी पेंशन देंगे। आप पे लोगों को विश्वास नहीं है क्योंकि गड़बड़ ये करते हैं। बाद में उसको लगता है कि इनके इस निर्णय से हमें नुकसान हो रहा है और उसके लाभ हानि देखकर कहते हैं इसको हम पुरानी लागू करेंगे। ये नेतृत्व पर विश्वास होता है कि मोदी जी कहते हैं कि आपको नई पेंशन भी जो हमने लागू की है अगर उसमें कुछ सुझाव आएंगे, सकारात्मक सुझाव आएंगे, वो लोग कर्मचारियों के हित में होंगे, देश के हित में होंगे, तो हम उसको संशोधन करें। इसके कारण वो संशोधन भी हुए। ये केवल लालच की राजनीति करते हैं। हम लोगों के विकास के उसके सम्मान की राजनीति करते हैं। हरियाणा के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं, मेरे हरियाणा के विपक्ष के लोग भी चौंक जाएंगे जब अक्टूबर 2024 में परिणाम आएंगे। जिस तरह से पहले पुराने लोगों को पीले राशन कार्ड बड़े बड़े घरों में लिखा होता था कि ये परिवार बीपीएल परिवार है, अब मुख्यमंत्री के पोर्टल ने जादू किया और उस जादू का परिणाम ये हुआ कि जिसकी भी आय 1,80,000 से नीचे थी ऐसे 40,00,000 से अधिक पीले राशन कार्ड बन गए। आज उसके लिए लाइन में धक्के नहीं खाने पड़ते जो पुरानी सरकारों के समय में खाने पड़ते थे। उसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं है। कंप्यूटर किसी की जाति नहीं देखता, कंप्यूटर किसी का चेहरा नहीं देखता, किसी का एरिया नहीं देखता। जवाहर जी, वो केवल तथ्यों के आधार पर लोगों को न्याय देता है। जी विनय जी। जवाहर जी, हिमाचल का बदला ले लिया, मतलब आपने हिमाचल में जो ट्रेंड चलता था वो ट्रेंड कायम रहा, वहां पर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई, यहाँ पर ट्रेंड आपने बदलने नहीं दिया, वही ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बदला ले लिया है। नहीं, बदला तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को हराकर तब लेंगे। अच्छा, ये जो राजस्थान में हुआ, हाँ, ये केंद्रीय नेतृत्व के प्रति समर्थन, हाँ, और वहां के मुख्यमंत्री का कुशासन जी, जिसने केवल समाज को जाति के आधार पर बांटने का कोशिश की, हाँ, और आज की डेट में कांग्रेस और जो विपक्षी दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे इनेलो, हाँ जी, कहते हैं हम जातिगत आंकड़े कराने चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले अखिलेश यादव का सदन में दिया हुआ भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी कि जातिगत आंकड़े लोगों के बीच रखेगी, और उसने कहा नेताजी ने ये मांग की थी। तो इनका यह है कि जब ये सत्ता में होते हैं तो इनकी सोच अलग हो जाती है, और जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं तो ये अलग आचरण करते हैं। तो दोहरे चरित्र का नेतृत्व है जी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो इनेले का हो, लोग उसको करते। और एक मजेदार एक लाइन और बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता, हाँ, एक ट्वीट करते हैं कि देखो जी पंजाब ने धार्मिक यात्राओं का आयोजन शुरू किया और अब खट्टर जी उसकी कॉपी कर रहे हैं। हमारी टीम ने डाल दिया कि 5 मई पे मुख्यमंत्री ऑलरेडी अपने यहां से लोगों को धार्मिक यात्रा पे भेज चुके थे। अपने जो मामा है शिवराज सिंह चौहान जी, वो सालों से इस योजना को चला रहे हैं और आप कहते हैं कि बीजेपी ने उसकी कॉपी कर ली। इन्होंने भी एक ट्वीट किया कि देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के गन्नों के रेट बढ़ाए और बगैर मांगे बढ़ाए, हमने निकाल के दे दिया कि 1 महीने से कैसे धरने प्रदर्शन किसान कर रहे थे। तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके नेतृत्व पर कोई विश्वास नहीं करता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी, जवाहर जी, हम ये मानकर चले कि देश अभी के लोग जान, और प्रदेश के लोग इस, हाँ, नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, क्या ये 2024 के लिए एक मैसेज है? और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या रहा इस पूरे चुनाव में? और दूसरी तरफ कांग्रेस के लो पॉइंट क्या कुछ रहे? एक क्विक रिप्लाई सर, क्विक रिप्लाई देना, फिर मैं जरा आम आदमी पार्टी से बात कर लेता हूँ। रणदीप सुरजेवाला की स्टेटमेंट है आज के सुबह के समाचार पत्र या कल के पढ़ेंगे, उसमें ये कहा कि ये मैं नहीं मानता कि ऐसी चीज, मैं इन चीजों पे नहीं पड़ता, परंतु उन्होंने कहा इन राज्यों के चुनाव 2024 को तय करेंगे। हाँ जी, तो ये तो कांग्रेस ने बता दिया कि 2024 फिर से मोदी जी का है। ठीक है, ठीक है।
नरेश शर्मा जी, आप उस समय कुछ कह रहे थे और उसमें मुझे रोकना पड़ा था क्योंकि पूरा जवाब चाहता था। क्या लगता है सर, ये जो आप चाहे बात करें हिमाचल की, आप बात करें पंजाब की, इन तमाम राज्यों में जब पिछली बार हमने देखा जब चुनाव हुए तो हमें लगा कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिस तरह की बातें आप लोगों की तरफ से की जाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ सर? उम्मीदें जिस तरह की थी आप लोगों को, चाहे आपकी इससे पहले की बात करें क्योंकि पंजाब में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और दिल्ली और पंजाब के बाद लग भी रहा था कि आम आदमी पार्टी अब कुछ बेहतर करती नजर आएगी, जिस तरह से आप लगातार बात भी करते थे, आपके तमाम जो नेता हैं वो दावे भी करते थे, इस बार वो लगा नहीं कुछ ऐसा? आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है और आगे भी करेगी, ये कोई नकारात्मक, आपने देखा कि 10 साल के अंदर एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना, जिसको ये कहते थे एक छोटी सी पार्टी है इसका कोई वजूद नहीं है, आज हम ये कहते हैं कि आप देखोगे कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने का किसने दिया अधिकार, इस जनता ने दिया था और वो हम बन के तैयार हुए 10 साल के अंदर। ठीक है, 10 साल के अंदर जहां हम चुनाव में जाते हैं ऐसा नहीं होता कि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर क्या मोदी लहर वहां काम नहीं करती थी, आपने बोला तीन बार जो है माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को लेके दिल्ली के लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके लिए रोड के ऊपर भी संघर्ष होता था, आप देखते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सबको रोड पे आना पड़ता था, और अभी देखा कि आपने रिसेंटली दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव भी हुए, उसके अंदर पूरी बीजेपी थी, लेकिन वहां पे भी देखा, हम कहते हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं जो जनता ने जनार्दन जो भी डिसाइड किया हम उसके ऊपर हैं और जैसे नीतियों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप पार्टी का नाम ही आपकी आम आदमी पार्टी है, आम लोगों के बीच में जब जाता हूं ना तो आम लोग कहते हैं कि भैया पहले आप अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, दिल्ली के ऊपर पंजाब के ऊपर कर रहे हैं आप, पिछली बार आप गोवा में भी थे, इस बार भी आप अलग अलग जगहों पर लड़े हैं, क्या मतलब नकारात्मक कहां रह जाती है चीजें? नकारात्मक आपने देखा, नकारात्मक तो कुछ है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि पूरी सीटों में नहीं लड़े जी, 53 सीटों में हमने कंटेस्ट किया, एमपी के अंदर 66 सीटों के अंदर, राजस्थान के अंदर 84 सीट से अंदर, और आप बोल रहे हो कि अभी देखा कि हम जो आपने बोला ना, हम जो दिल्ली और पंजाब के अंदर वही काम कर रहे हैं और आगे के लिए जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा के लिए पार्टी, अब राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद हम लोकसभा के लिए काम तैयारी पूरी कर रहे हैं, और आपने देखा कि अभी हरियाणा के लिए हमारा फोकस सिर्फ हरियाणा के ऊपर है और हरियाणा के अंदर हम जनता के जो एक्चुअल मुद्दे हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम आपने देखा कि संगठन बढ़ाने के लिए जो हमने बोला वो किया, संगठन इतना बड़ा संगठन जो स्टैब्लिश करना था वो बहुत ही जल्दी संदीप पाठक जी ने पूरा स्टैब्लिश कर दिया। रेस्पॉन्स आप दे दीजिए इस चीज पर कि अब इस नतीजे से आप क्या सीखने वाले हैं, क्या कुछ आप अपने लिए बदलाव करने वाले हैं, जैसे कि पंजेटा जी उस समय अपनी जवाब बात पूरी नहीं कर पाते तो उनके पास भी जाए फिर। नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल जनता को चाहिए क्या, क्या नीतियों के ऊपर हमें काम करना है एक्चुअल में। देखो, हम शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ये सेवाएं जरूर काम कर रहे हैं, और एक चीज और बता देता हूँ कि जो आप कहते थे ना योगी जी ने अभी 3-4 दिन पहले ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चालू करी, वो किसकी देन है? अभी जो जवाहर यादव जी कह रहे थे कि हमने जो योजना चालू करी शिवराज सिंह ने, पहली बात बताइए कि हरियाणा के अंदर 9 साल के अंदर आपने क्यों नहीं किया, और वो 2001 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी और लास्ट ईयर 2 साल पहले एमपी के अंदर चालू किया आपने, लेकिन हम कितने टाइम से भेज रहे हैं आपको पता है यात्राएं जो बुजुर्गों को, हमने तो वो लागू की, अब जो गारंटी कह रहे हैं ना वो हम गारंटी हम देते हैं और उसको लागू करते हैं, लेकिन आपकी तरह नहीं कि आप, चलो आपकी ये बात आ रही थी, आपने 3 स्टेट के अंदर अभी कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया, खट्टर साहब को अनाउंसमेंट करेंगे कि आप इस बार, आप पूछ लीजिएगा खट्टर साहब को कोई अनाउंसमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है हरियाणा के अंदर। तो पंजेटा जी से बिल्कुल पंजेटा जी का जवाब लेंगे, पंजेटा जी अपनी बात पूरी करिए उसके बाद वंदना जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। देखिए जी, ऐसा है कि क्योंकि इंडिया अलायंस एक जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अलग विकल्प है भाजपा का, तो भारत जोड़ो यात्रा भी करी इन्होंने, तो हमें भी थोड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी कि कांग्रेस का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहेगा, खासकर जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर भी और मध्य प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान का था थोड़ा कि राजस्थान बदलती है, लेकिन वैसा प्रदर्शन नहीं रहा। मुझे आम आदमी पार्टी का तो वोट शेयर अभी नहीं पता है जी। और मैं आपकी टीम से एक गुजारिश करूंगा कि जननायक जनता पार्टी जजपा जो अपने अपने आप को चौधरी देवीलाल जी का उत्तराधिकारी वारिस और ऐसी ऐसी बातें बोलती है, तो जजपा का जो वोट प्रतिशत रहा है राजस्थान में
अगर आपकी टीम पता कर सके, क्योंकि मुझे तो इंटरनेट पे पता नहीं चल रहा है, गणना चल रही है और धीरे धीरे हम बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं। जो भी काउंटिंग में जितने भी वोट मिले वो भी आप प्लीज अपने स्क्रीन पे बताने का काम करें। बिल्कुल सर, हर चीज बता रहे हैं। हमें हमें इससे देखिए, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस रिजल्ट। हमारे को इससे, क्योंकि हम कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, हमारा हरियाणा को लेकर है जो भी हमारा रहता है तो। लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से अगर 2024 में पूरा विपक्ष इकट्ठा नहीं होता और कांग्रेस की ऐसे एरोगेंस रहती है तो उस हिसाब से तो कांग्रेस खुद ही भाजपा को जितवा देगी। ठीक है, एरोगेंस ये बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है बाकी राज्यों में शायद यही कमी रही है कि कांग्रेस को बिखराव का ये जो परिणाम है वो देखने मिला है। अगर वही स्थिति हरियाणा के चुनाव के वक्त भी रही तो मुझे लगता है विनय जी कि शायद ये स्थिति हरियाणा में भी हो सके।